Hey gamers, welcome back in the another Conquer series video, and today is the day 2nd of the season, that is C6S17। तो अभी इस गेम में बात करें तो भाई हमारे पास कोई भी व्हीकल नहीं था एंड 11 बंदे बाकी थे, तभी मैंने यहाँ पे जेट लगाया एंड यहाँ पे इसका यूज करके आगे बढ़ता हूँ एंड देखना अभी क्या कुछ होने वाला है। आगे जा ही रहा था कि वैसे ही मेरे को स्पॉट होता है एक बंदा जो ओपन में खड़ा है एंड इसको नॉक डाल देते हैं। आपको पता है कि अगर एड किट है आपके पास अगर, तो आप उससे खुद को रिवाइव कर सकते हो। तो उस बंदे के पास ये था तो यहाँ पे वो बच जाता है एंड उसके बाद अपन लोग वापस से इसको नॉक फिनिश डालते हैं एंड अभी इसको लूट करने के बाद देखना कैसे मूवमेंट करेंगे, कैसे रोटेशन देंगे, क्योंकि भाई रोटेशन बिना गाड़ी के भाई आप समझ सकते हो कि कितना दिक्कत वाला गेम था। बट चूंकि हमारे पास जेट था तो हम लोग जेट से यूज कर रहे थे। अभी क्या था, चुपचाप लूट करूंगा मैं यहाँ पे 3x एंड 6x में थोड़ा सा कंफ्यूज था कि भाई क्या लेना है, क्योंकि लॉन्ग रेंज स्प्रे तो अभी खेलना नहीं पड़ेगा, अभी तो नॉर्मल रेंज स्प्रे ही खेलना पड़ेगा। एंड यहाँ पे देखो हल्का सा आगे जाता हूँ क्योंकि मेरे को मालूम था कि भाई पीछे से पहले जब तक क्लियर नहीं करते हैं ना तक आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आगे जाएंगे एंड पीछे वाले बंदे कोई बंदा फिनिश करता है तो भाई अपना गेम वैसे ही ख़राब हो जाएगा। तो अभी मैं पीछे से वेट कर रहा था कि पीछे कोई बंदा आए तो उसको फिनिश ऑफ करें एंड देखना अभी यही कुछ करने वाला हूँ मैं। पीछे चेक किया अभी और मैं चेक कर रहा हूँ पीछे, जैसे ही जोन बनेगा तब तक तो भाई कोई बंदा बाहर रहेगा तो भाई ऐसे ही मर जाएगा। तो जोन बनने तक वेट कर रहा था कि एटलीस्ट कम से कम जोन बने एंड ये 7 सेकेंड बहुत ज़्यादा क्रूशियल थे अपने। एंड यहाँ मेरे को दिख जाता है एयर ड्रॉप एंड इस एयर ड्रॉप को मैं जल्दी जल्दी ले लेता हूँ। गाइज अगर आप भी अगर रैंक पुश कर रहे हो एंड आपका अभी कॉन्कर्ड लगना बाकी है तो एक चीज़ ज़रूर फॉलो करना कि आपको होल्डिंग आना चाहिए। आप अगर होल्डिंग नहीं करते हो ना, मैं सोचोगे आप कि भाई हर गेम में मार के खेल लेंगे, सामने वाला बंदा को बीट करके भाई आगे कॉन्कर करेंगे, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है जल्दी अगर कॉन्कर करना है तो क्योंकि अगर उसमें क्या है कि थोड़ा टाइम भी लग जाएगा आपको, लेकिन जल्दी अगर कॉन्कर करना है तो पर डे के हिसाब से जो 12 गेम अगर आप प्रॉपर 12 गेम होते हैं प्लस में आप कितना भी गेम खेल सकते हो, अगर मान लो कि छोटा गेम होता है तो आपका, तो मतलब अगर 35 मिनट का अगर एक गेम अगर होता है तो भी आप 11 से 12 गेम खेल सकते हो। तो अगर मैं 12 गेम की अगर पूरे बात करूँ ना तो उसमें आपको टोटल प्लस अगर लेके चलना पड़ेगा 150 से 200। अगर इतना प्लस अगर आप एक दिन में अगर निकाल रहे हो ना, मतलब भाई आप अच्छा गेम खेल रहे हो। एंड अगर आपको अगर जल्दी कॉन्कर करना है तो भाई सबसे पहले आपका होगा टॉप 500 में पहले आप बैठोगे। तो यहाँ पे क्या था कि आगे वाले बिल्डिंग पे थोड़ा सा स्प्रे आ रहा था, मैं यहाँ पे चेकआउट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ है बंदा यहाँ पे एंड मेरे को तो यहाँ पे स्पॉट नहीं होता है। 5 बंदा अलग ही बाकी रहा एंड मैं यहाँ से पूरा रोटेशन लूँगा, देखना रोटेशन कैसे होगी मेरी। पहले मैंने चेक किया कि बंदा है या नहीं है, यहाँ पे मेरे को एक बग्घी जली हुई दिखती है एंड यहाँ से फिर निकलूँगा थोड़ा आगे। प्रॉपर भाई, प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स भाई। एंड यहाँ पे आकर के मैं वेट करूँगा क्योंकि मेरे को पता था कि आगे फायरिंग हो रहा है, मतलब भाई किल निकलने के चांसेस हैं। लेकिन उसी हैंड साइड में अगर मैं बात करूँ तो पीछे, जैसे मैंने आपको बताया पीछे क्लियर करना ज़रूरी है कि पीछे से अगर स्प्रे पड़ता है तो भाई आप ना के बराबर बचोगे। आगे से अगर मान लो स्प्रे पड़ता है तो थोड़ा बहुत आप जिगल करके थोड़ा सा लेट करके आप बच भी जाओगे, बट पीछे से अगर स्प्रे पड़ता है तो आप भाई फिनिश ही होगे क्योंकि वो बंदा एक भी मौका नहीं देने वाला है आपको। तो यहाँ पे क्या था, पीछे मैं स्पॉट कर रहा था ताकि भाई जोन से जो बंदा आएगा ना सबसे पहले उसको दिक्कत दूँ एंड जैसे ही जोन श्रिंक होगा भाई अपना गेम तो हो ही जाएगा यहाँ इस जोन तक एटलीस्ट। तो यहाँ पे सामने एक बंदा था जो कि टैप टैप फायरिंग दे रहा था, मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, चेक कर रहा था कि वो बंदा एटलीस्ट भाई थोड़ा सा अपना पोजीशन तो देखे किधर है किधर नहीं है, बट वो बंदा अपना कोई पोजीशन देने को तैयार नहीं था। यहाँ पे देखो एंड जस्ट मेरे पास स्प्रे आ जाता है, मैंने आपको बोला ना भाई पीछे से अगर राइट लेफ्ट से अगर स्प्रे आता है ना तो भाई बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ की। हालाँकि यहाँ अपन लोग लेट जाते हैं तो यहाँ पर अपन को रीच का, हाई रीच का एडवांटेज मिल जाता है एंड बच जाते हैं। हाई रीच एंड लो रीच के बीच में अपन, तो यहाँ पे हाई रीच आगे से जब मैं लेटता हूँ तो हाई रीच मेरे को बचाता है शॉट्स पड़ने से एंड यहाँ पे फिर से जेट यूज करता हूँ मैं, देखना अभी कहाँ से निकलेंगे। एंड यहाँ पे भाई बहुत गलत, यहाँ पे मेरे को स्प्रे पड़ता है, मेरे को पता था कि भाई अगर एक और स्प्रे पड़ता है भाई मैं यहाँ पे फिनिश होऊंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी एचपी अगर देखो तो 40-50 के आसपास आ चुका है। एंड एक और स्प्रे आता है, बचता हूँ यहाँ पे एंड लेट जाऊँगा क्योंकि पता था मेरे को कि हाई रीच है, हाई रीच का एडवांटेज लेना पड़ेगा। एंड जस्ट मेरे को सामने भी एक बंदा दिखाई देता है, यहाँ पे स्प्रे देता हूँ बट बंदा बच जाता है। यहाँ पे डेंजर वाइटी पीछे साइड में है, उसको ही मार के चिकन लेंगे अपन।
तो यहाँ पे अपना बस एक ही कोशिश था कि भाई यहाँ पे ना अपने को अपनी स्पॉटिंग नहीं देनी थी, एंड जोन के अंदर भी जाना था, क्योंकि जोन के अंदर जाना सबसे क्रूशियल थिंग है यहाँ पे, क्योंकि अपने पास कोई भी व्हीकल नहीं है एंड अपने को इस जेट की मदद से ही जाकर के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, देखना कौन सा स्ट्रेटजी लगाने वाला हूँ। अभी क्या है, मैं पहले ये सोच रहा था कि लेफ्ट साइड से मैं आगे चढ़ता हूँ रिस से, बट मैंने सोचा कि भाई मैं सैंडविच होऊंगा, क्योंकि राइट में आपको मैंने देखा कि मैंने जो फायरिंग दिया था वहाँ पर एक बंदा था, एंड पीछे से अपने को स्प्रे पड़ा था जब मैंने लेटा था, तो भाई वहाँ पे दोनों साइड पे बंदे हैं, तो मतलब अपन को राइट साइड से ही मूवमेंट लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं इस बंदे को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि इस पेड़ के मत कारण दिख नहीं रहा था मेरे को, एंड ये पेड़ उसका बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था मेरे विजुअल को रोकने में। एंड यहाँ पे क्या था गाइस, कि अभी जोन मेरे को मालूम है कि 20 सेकेंड के अंदर यहाँ पे श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अपने को कैसे भी करके जोन के अंदर जाना है, एंड रोटेशन किस टाइप से लूँगा वो देखना। अभी यहाँ पे डैमेज है मेरा जेट, तो मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं करूँगा, पूरा राइट से फ्लैंक ले लूँगा, एंड ट्राई करूँगा कि भाई पहले एक कवर पकड़ा जाए, फिर उसका दूसरा कवर। पेड़ के पास गया कवर के लिए कि इस पे आया तो भाई रुक जाऊँ, मैं यहाँ पे दूसरे पेड़ के पास जाता हूँ, हल्का सा आगे बढ़ता हूँ। मेरे को मालूम था कि सामने एक बंदा है, एंड ये भाई ऊपर के रिच साइड वाला बंदा ना मेरे को बहुत दिक्कत कर सकता था, यहाँ पे स्प्रे मारता है, बट वो बंदा दूसरे फाइट लेने में बिजी था, एंड यहाँ पे इस बंदे को शायद मेरे को लग रहा है कि डैमेज देने की कोशिश कर रहा था, एंड यहाँ पे देखो कैसे, एंड भाई फिर से इसको नॉक डाला, क्योंकि भाई आपको पता है कि जिसके पास ऑटो रिवाइव या फिर सेल्फ रिवाइव का ऑप्शन होता है वो बंदा यहाँ पे नॉक होता है, एंड यहाँ पे सामने वाला केजी डॉट लाइफ भी बंदा है जो है वो भी यहाँ पे नॉक होता है, एंड बदले में यहाँ पे उस बंदे ने फिनिश भी करा, एंड यहाँ पे मैंने मॉली करके उस बंदे को फिनिश करा। मेरे पास एक ऑप्शन था कि मेरा जो पोजीशन था ना वो रिवील नहीं था कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे सामने वाला बंदा को ये लग सकता था कि भाई वो बंदा कहीं भी हो सकता है, तो देखना अभी कैसे रोटेशन लेगा अंधाधुन, एंड कैसे इसको फाइट ले करके एंड मार करके चिकन लेने वाले हैं। यहाँ पे मैं वेट कर रहा था, एंड यहाँ पे इसको मार करके हमें मिल जाता है यहाँ पे खतरनाक वाला चिकन डिनर। एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द फ्रिकिंग लाइक बटन, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच गाइस।